पिछले महीने खत्म हुए बिग बॉस 17 के विजेता के रूप में उभरने के बाद से मुनव्वर फारूकी सुर्खियों में रह रहे हैं। हर कोई उन्हें एक झलक देखने को बेताब रहता है। उनके फैंस जब भी वो स्पॉट होते हैं तो उनकी तरफ भागे चले आते हैं। बिग बॉस जीतने के बाद से मुनव्वर फारूकी पार्टीज में अलग अलग लड़कियों के साथ दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार चर्चा एक और लड़की की है। दरअसल बुधवार रात मुनव्वर को एक पार्टी में स्टाइल में पहुंचते देखा गया। वो ऑफ वाइट को ऑट सेट में हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने मैचिंग स्नीकर की एक जोड़ी के साथ पहना था। हालांकि जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो थी सुष्मिता सेन की बेटी रेने। पार्टी में मुनव्वर फारूकी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बेटी रेने के साथ पहुंचे थे। दोनों एक ही कार में इस पार्टी में पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। फैंस ये वीडियो देख के काफी हैरान हैं। मुनव्वर फारूकी और रेने सेन के साथ सोशल मीडिया सेंसेशन औरी उर्फ औरहान भी इस पार्टी में शामिल हुए। इस आउटिंग के लिए रेने ने कैजुअल लुक रखा हुआ था। उन्होंने पीच स्ट्रेपी क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम पहना था। रेने ने हाई हील्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। हालांकि मुनव्वर और रेने एक साथ एक ही कार में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पेपराजी के लिए एक साथ पोज नहीं दिया। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी और रेने सेन के इस वायरल वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट की बरसात कर दी। फैंस इन दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो गए। एक यूजर ने लिखा, सुष्मिता सेन की बेटी मुनव्वर फारूकी के साथ क्या कर रही है। एक और यूजर ने लिखा कि एग्जैक्टली एंड व्हाई नो वन नोटिस हर, किसी ने नोटिस नहीं किया। एक और यूजर ने रिप्लाई में लिखा, बिकॉज है क्या उसमें देखने लायक, एक सिंगल हड्डी तो है वो। एक और यूजर ने लिखा, हर मॉम बॉयफ्रेंड इज मुस्लिम सो शी प्रोबेबली हैव सम टाइज। एक और यूजर ने लिखा, क्या ये सुष्मिता सेन की डॉटर है। तो लोगों ने रिप्लाई किया, यस यू आर राइट, शी इज रेने सेन। यूजर ने लिखा कि सुष्मिता की डॉटर जो है वो मुनव्वर फारूकी के साथ चीटर मुनव्वर फारूकी के साथ क्या कर रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, लगता है नाजिला एंड आयशा के बाद अब मुनव्वर भाई का एक और लड़की मिल गई। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अब फेम के लिए रोज पार्टी करेंगे ये लोग। तो अब बात करें सुष्मिता सेन की बेटी की, तो आपको बता दें कि रेने सेन ने 2021 में शॉर्ट फिल्म सट्टेबाजी में एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्होंने सुष्मिता सेन की वेब सीरीज ताली में महामृत्युंजय मंत्र को भी अपनी आवाज दी थी। मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुंबई में अपने दोस्तों के लिए पार्टी की मेजबानी की। इस पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में सर आइए ना, उधर मुनव्वर भाई आइए ना, और सेंटर, मुनव्वर भाई साथ में।